नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आ तो जाते हैं लेकिन हमको काम क्या करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि सर हमको करना क्या है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आप जब आ जाते हैं तो आपको क्या काम करना पड़ता है। दोस्तों सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, जैसे हम बताया जाता है कि वर्क फ्रॉम होम ये बिजनेस है आपको करना है, तो इसको कैसे किया जा सकता है, इस बिजनेस को हम कैसे कर सकते हैं। बिजनेस में यदि हम प्रमोट करते हैं तो हमको क्या ऐसी चीज़ है जो हम इसको प्रमोट कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ होती है हमारी दोस्तों योर सेल्फ, यानी यहाँ पे प्रमोट करना होता है अपने आप को। यहाँ पे आपकी प्रोफाइल एक बढ़िया सी होनी चाहिए, फेसबुक के अंदर, इंस्टाग्राम के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर, उसी प्रोफाइल को आपको यहाँ पे शेयर करनी पड़ती है। दूसरे नंबर पे दोस्तों आते हैं रिजल्ट। जी हाँ, जो आप ज्वाइनिंग के पर्पस से जो आप प्रोडक्ट लेते हैं, जो आपको प्रोडक्ट मिलते हैं, उन प्रोडक्टों को सबसे पहले आपको स्वयं पे यूज करना पड़ता है। इसके बाद उन प्रोडक्टों को आपको शेयर करना पड़ता है, यानी जो भी आपको रिजल्ट आ चुके होते हैं उन प्रोडक्टों से, जो भी आप फीलिंग्स ले रहे होते हैं उसको शेयर करना पड़ता है। अब दोस्तों बात करते हैं इनकम। दोस्तों इनकम क्या है कि जो भी आपके पास इनकम आती है, जो आपके पास सीनियर के पास इनकम जाती है, वो इनकम को आपको शेयर करना पड़ता है। क्योंकि आप भी जानते हैं दोस्तों कि जब तक आप इनकम शेयर नहीं करते हैं तब तक लोग विश्वास नहीं करते हैं कि वाकई में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इनकम आती भी है कि नहीं। इसके बाद दोस्तों फोर्थ नंबर पे आता है हमारा अचीवमेंट। जी हाँ, बहुत सारे लोग दोस्तों देखते हैं कि बड़ी बड़ी रैंक हासिल करते हैं, अचीवमेंट लेते हैं, लेकिन वो अपनी रैंक को, अपने अचीवमेंट को जो है छुपाते हैं, दिखाते नहीं। दोस्तों जब अपने आप अचीवमेंट किसी को दिखाते हैं तो वो भी आपकी जैसा अचीवमेंट लेना चाहते हो, भले ही छोटी अचीवमेंट हो या बड़ी अचीवमेंट हो, लेकिन आपको उसको शो ऑफ करना पड़ता है। यानी जो मैंने आपको बताने का यहाँ पे मैंने प्रयास किया कि बिजनेस कैसे करना है, प्रमोट क्या करना है, तो दोस्तों ये जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये चारों ही चीज़ आपको प्रमोट करना है। अब दोस्तों आप आगे बात करते हैं कि हमको और क्या प्रमोट करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम जिस कंपनी में जुड़े होते हैं उस कंपनी की लीगलिटी को प्रमोट करते हैं, यानी हम ये बताते हैं कि कंपनी 100% लीगल है, लॉन्ग टाइम तक चलने के लिए आई है, और बड़े विश्वास के साथ हमको बताना पड़ता है, तभी आपके साथ में लोग जुड़ते हैं। लेकिन उसके पहले आप ये चेक कीजिए कि क्या आप वाकई में एक लीगल कंपनी में काम कर रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको ये चुनाव करना पड़ता है कि कंपनी लीगल है कि नहीं, और उसी लीगलिटी को आपको प्रमोट कर सकते हैं। साथ ही साथ में दोस्तों प्रोडक्ट, जिस भी कंपनी में आप ज्वाइन होते हैं उनके प्रोडक्ट जो भी होते हैं, बहुत सारे कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट मिलते हैं, उन प्रोडक्टों को आपको यहाँ पे प्रचार करना होता है, प्रसार करना होता है, प्रमोट करना होता है, तो उन प्रोडक्टों को भी आप प्रमोट कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपको प्लान, जो कंपनी का प्लान होता है उस प्लान को भी आप, जो प्लान हमारा बहुत ही अच्छा होता है, तो उस प्लान को भी आप प्रमोट कर सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका प्लान बहुत ही अच्छा होता है आपकी नज़र में, तो जब आपकी नज़र में अच्छा है तो आप उसी हिसाब से इस प्लान को भी दोस्तों प्रमोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों यूनिकनेस, यानी विशेषताएँ, आप जिस कंपनी में जुड़े हुए हैं उसमें क्या विशेषता है ये आपको ही पता होगा, तो वो जो विशेषता हैं वही चीज़ आपको सोशल मीडिया पे ऑफलाइन, ऑनलाइन उनको शो ऑफ करना पड़ता है। इसी वजह से दोस्तों कहते हैं कि जो कुछ हद विशेषताएं होती हैं तभी लोग आपके साथ में आते हैं। तो आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और क्या प्रमोट कर सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि बहुत सारे कंपनी के क्या होते हैं, बहुत सारे कंपनी में क्या होता है कि प्रोग्राम, सेमिनार, वेबिनार वगैरह होते हैं, तो उनको भी आपको प्रमोट करना है। क्योंकि प्रमोट करने के लिए आपके पास छोटी मोटी नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको सेमिनार, वेबिनार और जो भी हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन मीटिंग्स होती हैं उनको आप प्रमोट कर सकते हैं। साथ ही साथ में जो हमारे कंपनी के अंदर वीकली, साप्ताहिक या ये कहें 15 दिन में, 1 महीने में फेस्टिवल, जो भी हमारे ऑफर्स चल रहे होते हैं उन ऑफर्स को भी आप प्रमोट कर सकते हैं। कंपनी की ट्रेनिंग होती है, कंपनी की मीटिंग होती हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जूम मीटिंग होती है, तो उनको भी आप प्रमोट कर सकते हो। आप बता सकते हो कि हमारा बहुत ही अच्छा एक वेबिनार होने जा रहा है, वहाँ पे बहुत ही कम सीट हैं, तो वहाँ पे आप इनवाइट कर सकते हो जूम मीटिंग के व्याप पे। अब दोस्तों बात करें कंपनी का विजन एंड मिशन। तो जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप कंपनी का, आपकी कंपनी का विजन एंड मिशन क्या है, और इस व्याप पे भी आप कंपनी में बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया है दोस्तों, ये 12 चीज़ें मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि आपको क्या प्रमोट करना है।
तो सबसे पहली बात, यदि आप किसी कंपनी में ज्वाइन हो गए हैं तो पहले इतनी सारी चीज़ें मैंने बताई, पहले खुद अपने आप को आनी चाहिए, यानी आपको सीखना पड़ेगा। जो मैंने यहाँ पे बताने का प्रयास किया है वो सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा, और यही वीडियो आप उनको शेयर कर कीजिएगा, क्योंकि उनको नहीं पता। हम ज्वाइन तो हो जाते हैं लेकिन हमको क्या करना है ये हमको नहीं पता। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और दोस्तों अपने टीम में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो भी समझें कि हाँ हमको यहाँ पे आके क्या करना है। ट्रेनिंग्स और मीटिंग जो है बिल्कुल छूट नहीं देनी चाहिए। बाकी हमारे पास दोस्तों और भी सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, लेकिन दोस्तों वो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।